हरिभाव जावाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यस बैठ जाइए, अब औरों को भी मौका दीजिए, औरों को मौका दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस खाद्यान्न की सरकारी खरीदी में किसानों को फंसाया जा रहा है और व्यापारियों और एजेंटों का लाभ किया जाता है, ये तो सच है। इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, ये भी सच है। महाराष्ट्र में जब न्यूनतम मूल्य के आधार पर हमारे यहाँ खरीदी की शुरू की जाती है, तब हमें बुलाया जाता है, वहाँ के एमएलए को बुलाया जाता है, फोटो निकालते हैं, फोटो निकालने के बाद पेपर में देते हैं, और पेपर में देने के बाद दूसरे दिन वो खरीदी बंद हो जाती है। वहाँ जो भी फूड कॉरपोरेशन है, नहीं तो महाराष्ट्र स्टेट की एजेंसी है मार्केटिंग फेडरेशन, उनके माध्यम से खरीदी होती है। जब किसानों का माल आता है तब क्वालिटी खराब है, हमारे पास बोरी नहीं, हमारे पास सुतली नहीं, ऐसे कुछ भी कारण देकर वो खरीदी रोकी जाती है, और बाद में 10 दिन के बाद जब व्यापारी को माल आता है तब वो खरीदी शुरू होती है। इसमें पूरा भ्रष्टाचार दिखता है मैडम। और मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही प्रश्न रहेगा कि आप नीति के बारे में हमेशा बात करते हो, स्टेट गवर्नमेंट देखना चाहिए, इसने देखना चाहिए, हम तो ऐसा करते हैं। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि आपके नीति के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका मंत्रालय क्या करता है, उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपके अधिकारी क्या सोचते हैं? मैडम, टोटल प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स इन एन ईयर कम्स टू अबाउट 60 to 65 million tons. सो दिस 60 to 65 million tons cannot be procured alone by the FCI. Almost 15 to 20% is what FCI procures directly. All other procurement are through the state government agencies. And there are states like Chhattisgarh where there are model procurement is taking place. I have gone over there. There are self-help groups by women who procure, they get 2.5%. In Andhra, in many states, self-help groups are procuring. So it is for the state governments to see that there is procurement and farmers are getting MSP. But wherever FCI's help is needed, we are prepared to give the help. But finally, it is for the state governments to have a better procurement mechanism. Question number 83, Sheetara Chandra.